हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1 से लेकर 7 अप्रैल तक की, यानी कि आप इसको कह सकते हो अप्रैल के फर्स्ट वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप कमेंट करके बताते हो कि जो मेरी करंट अफेयर की कलेक्शन होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसलिए मेरे को इसका वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप तक पहुंचाऊं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जानते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। ये क्यों चर्चा में रहा पहले हफ्ते में, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि जो भारत के करंट फिस्कल ईयर की जो ग्रोथ होगी भारत की वो 7.2% होगी, और 2020 यानी कि अगले ईयर की यदि हम बात करें तो जो भारत की जो ग्रोथ रेट होगी वो 7.3% होगी, यानी कि जो भारत 2020 में होगा एशिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक आप सभी जानते हैं जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला फिलीपींस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी की रेट्स आ गए हैं, तो जानते हैं जो नए रेट्स हुए हैं उनके बारे में। तो 25 बेस पॉइंट कम किया है। सो सेंट्रल बैंक रेट की यदि हम बात करें, रेपो रेट जो है 25 बेस पॉइंट कम किया है। सो करंट बैंक रेट की यदि हम बात करें 6.25% है, करंट रेपो रेट की यदि हम बात करें तो 6.00% है, और रिवर्स रेपो रेट की यदि हम बात करें तो 5.75% है। करंट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसे हम CMSF भी बोलते हैं वो 25% है, और करंट कैश रिजर्व की यदि हम बात करें तो वो 4% है जिसे हम CCR भी बोलते हैं, और करंट स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो जिसे हम CSLR बोलते हैं वो 19.25% है। तो जो बैंकिंग के स्टूडेंट है इसको नोट कर लीजिए, इन टर्म्स को इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो करंट के RBI के गवर्नर हैं वो कौन है, शांतिकांत दास। नेक्स्ट है फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट। यहाँ पे आप इस व्यक्ति की फोटो देख रहे हैं, इनको इनका नाम है विहारी दास गोपाल दास पटेल। जी हाँ, इन्हें भारत में फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, इनका देहांत हो गया है और 2017 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था। तो आपसे प्रश्न ये आ सकता है कि जो विहारी दास गोपाल दास पटेल है जिनका हाल ही में निधन हुआ है तो वो किस क्षेत्र से संबंधित है, इकोनॉमिस्ट के क्षेत्र से संबंधित है या फिर फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट किसे कहा जाता था, विहारी दास गोपाल दास पटेल जी को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल माइंड अवेयरनेस डे। तो 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइंड अवेयरनेस डे बनाया गया जिसे शॉर्ट फॉर्म में IMAD 2019 कहा गया है, और इस बार की जो थीम थी वो थी यूनाइटेड नेशंस प्रमोट SDG सेफ ग्राउंड सेफ होम। नेक्स्ट है नेशनल मैरिटाइम डे। नेशनल यानी कि जो राष्ट्रीय मैरिटाइम डे था वो बनाया गया 5 अप्रैल को, और इस बार की जो थीम थी वो थी इंडियन ओशियन एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो 1919 की यदि हम बात करें, थोड़ा सा पीछे चलें, तो इसी के दिन जो सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड थी उसका एक जहाज SS लॉयल्टी यूनाइटेड किंगडम पहुंचा था। सो 5 अप्रैल नेशनल मैरिटाइम डे। वर्ल्ड हेल्थ डे काफी चर्चा में रहा भाई इस बार, और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है क्योंकि इसी साल जो है 1948 में वर्ल्ड हेल्थ यानी कि WHO ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की पहली हेल्थ असेंबली हुई थी, और इस बार का जो थीम था वो था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। ओके, सो ये थी इस बार की थीम। नेक्स्ट है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया। तो यहां पर बताना चाहूंगा, इनका नाम है जो आपको पिक्चर दिख रही है, इनका नाम है जुजाना कैपुतोवा, और इन्होंने हराया है मैरोस सेफकोविक। ओके, सो ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है स्लोवाकिया की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्यों चर्चा में रहा, तो यहां पर बताना चाहूंगा ये इस व्यक्ति के नाम के कारण चर्चा में रहा, और ये नए CEO होंगे ICC के। जी हाँ, इनका नाम है मनु सॉने, और अभी ये जो काम करेंगे डेव रिचर्डसन के साथ, और जो कि 2019 में वर्ल्ड कप के बाद जो है रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह पे मनु सॉने जी आएंगे।
नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्यों चर्चा में रहा। भाई अभी नए एमडी बने हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के, जिनका नाम है विपिन आनंद। नेक्स्ट है डेविड मेलपास, भाई ये क्यों चर्चा में रहे, काफी चर्चा में रहे इंटरनेशनल न्यूज में, तो यह मैं बताना चाहूंगा, इनको वर्ल्ड बैंक का नया डायरेक्टर घोषित किया गया। कार्यभार इनका जो शुरू होगा वो 9 अप्रैल 2019 से शुरू होगा, 5 साल के टर्म के लिए इनको जो है वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया है। सो इनका नाम है डेविड आर मेलपास। नेक्स्ट है एमीसैट, भाई आपने सुना होगा कि भारत ने पीएसएलवी C-45 रॉकेट के तहत 1 अप्रैल 2019 को 24 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा, उसमें से एक था एमीसैट, ये चर्चा में रहा। एमीसैट एक सैटेलाइट है जिसका वजन 436 किलोग्राम है और इसका जो काम है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मेजरमेंट का। नेक्स्ट है कंधामल हल्दी, कंधामल हल्दी क्यों चर्चा का विषय रही है हम जानते हैं। कंधामल हल्दी इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए काफी फेमस है, हीलिंग प्रॉपर्टी के अलावा जो इसका यूज और मेडिसिनल पर्पस में कॉस्मेटिक में इसका यूज किया जाता है। सो कंधामल हल्दी जो बेसिकली एक आप कह सकते हो कैश क्रॉप है ट्राइबल पीपल के लिए जो कंधामल क्षेत्र के हैं, और कंधामल पड़ता है ओडिशा में, आपको मैं बताना चाहूंगा। सो ये हल्दी इसलिए चर्चा का विषय रही क्योंकि अभी इसको कुछ ही दिनों बाद आप कह लीजिए जो है जीआई टैग मिल जाएगा, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर का टैग मिल जाएगा। नेक्स्ट है सेफ्रॉन स्वॉर्ड सेंचुरी ऑफ इंडिक रेजिस्टेंस टू इन्वेडर, ये क्या है, ये एक बुक का नाम है, यहाँ पे आप बुक का कवर देख सकते हो। जो बुक के राइटर हैं इनका नाम है मनोशी सिन्हा रावल, इन्होंने पिछले 13 सालों में भारत में जितने 52 शूरवीर हुए हैं जिनके स्टोरी अनसंग यानी कि जो इतने फेमस नहीं हुए, तो उनको इस बुक में उनके बारे में बताया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट है मैत्री ब्रिज की चर्चा में रहा भाई, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा ये ब्रिज बनाया है साहस और योग्यता रेजिमेंट ने ऑफ फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है, और ये ब्रिज 40 दिन में बना दिया गया है। इसमें 500 टन इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज किया गया है, 260 फुट लंबा ये ब्रिज बना है। सो मैत्री ब्रिज द लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज ओवर इंडस रिवर एट चोगलमसार विलेज लेह के अंदर ये ब्रिज बना है। नेक्स्ट है आपका तियानलियान सेकंड 01 क्या है, ये एक सैटेलाइट है भाई, यहां पे मैं बताना चाहूंगा ये सैटेलाइट जो छोड़ा है ये चाइना ने छोड़ा है, ठीक है, और इस सैटेलाइट का काम क्या होगा, तो यहां पर मैं बताऊंगा इस सैटेलाइट का काम होगा डाटा रिले नेटवर्क का। नेक्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद चिली, भाई प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हमारे अभी चिली की यात्रा पे गए थे, तो वहां पे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। किस क्षेत्र में साइन हुआ है, इन द फील्ड ऑफ माइनिंग कल्चर एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो ये क्षेत्र था जिसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है चिली के साथ भारत का। नेक्स्ट है MH-60 रोमियो सी हॉक, तो ये भाई चर्चा का विषय रहा, क्यों चर्चा का विषय रहा यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, एक हेलीकॉप्टर का नाम है जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, तो ये हेलीकॉप्टर भारत को मिलेंगे 24 हेलीकॉप्टर, यूएसए ने इसकी सेल की मंजूरी दे दी है और इसका जो पूरे सौदे की जो कीमत है वो $2.6 बिलियन की है। और ये किस काम के लिए आएगा, इंडियन नेवी में क्या काम होगा इस हेलीकॉप्टर का, तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा इस हेलीकॉप्टर को एंटी सबमरीन और शिप को नॉकआउट करने के लिए और समुद्र में रिसर्च ऑपरेशन जारी करने के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए इस हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है। तो देखिए इतनी क्वालिटी है इस हेलीकॉप्टर के अंदर जिसका नाम है MH-60 रोमियो सी हॉक और ये भारत को मिलने वाला है। नेक्स्ट है जायद मेडल, तो भाई UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के जो प्रेसिडेंट हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहाया, उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दोनों देशों के बीच में रिश्ते मजबूत करने के लिए, रिलेशन मजबूत करने के लिए, ठीक है, ये मेडल प्रदान किया है और ये हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है वहां पर, जायद मेडल। नेक्स्ट है शाहरुख खान क्यों चर्चा का विषय रहे, तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन ने, ठीक है, फिलेंथ्रोपी में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है शाहरुख खान को, क्योंकि शाहरुख खान काफी लंबे समय से जो है हमारे देश में चल रही है कैंपेन जैसे कि पल्स पोलियो हो गया, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इनसे जुड़े हैं, तो इनको दी गई है फिलेंथ्रोपी में डॉक्टरेट की उपाधि द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन ने।
सुल्तान अजलान शाह कप 2019 तो आप जानते हैं मलेशिया में ये होता है, और इस साल का जो ये कप है ये जीता है साउथ कोरिया ने। जी हाँ, साउथ कोरिया ने भारत को पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से हरा दिया, तो इस साल का जो ये कप है जीता है साउथ कोरिया ने। नेक्स्ट है मायामी ओपन 2019। मायामी ओपन 2019 का जो खिताब है वो रोजर फेडरर ने जीता है। इन्होंने अमेरिकन के जॉन इस्नर को हराकर ये खिताब जीता है, और रोजर फेडरर का ये चौथा मायामी टाइटल है। नेक्स्ट है बहरेन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो फॉर्मूला वन रेसिंग चैंपियनशिप ये जो जीती है, ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन है जो है मर्सिडीज से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है सौरव घोषाल की चर्चा का विषय है भाई, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, ये पहले ऐसे इंडियन मेल स्क्वैश प्लेयर हैं जिन्होंने पीएससी के वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 में स्थान हासिल किया है। इजिप्ट के हैं वर्ल्ड चैंपियन जिनका नाम है अली फराग, वो टॉप 1 पोजीशन पर हैं। तो ये थे आपके फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अपने कमेंट सजेशन जो भी आपका सुझाव है, कोई भी आपकी क्वेरीज है, कमेंट बॉक्स में बताइए, सब पढ़ता हूँ, सबके जवाब भी मैं देने की कोशिश करता हूँ। सो शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। यदि मैं सीरीज कंटिन्यू करनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।